हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल द फैशन एंड आर्ट पे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 8 टिप्स टू लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव, मतलब कि 8 टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को और निखार सकते हैं और उभार सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हाईलाइट योर आइज एंड लिप्स। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट बनता है। अगर हमारी आईज ही बुझी बुझी सी होंगी तो उससे हमारी पर्सनैलिटी डाउन होगी, तो इसके लिए हमें आईलाइनर यूज़ करना है। अगर आप आईलाइनर नहीं लगाती हैं तो आप काजल भी लगा सकती हैं, इससे आपकी आईज बहुत प्यारी लगेगी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिना काजल की आईज और काजल के साथ। और सेकंड है, उसके साथ ही आप अपनी लिप्स को हाईलाइट करें। अगर आपके ड्राई लिप्स हैं तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा। आपके फेस पे जो लिप्स होते हैं वो बहुत अच्छे दिखने चाहिए, इसके लिए आप न्यू लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं, लिप बाम यूज़ कर सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत तरीके की लिपस्टिक आ चुकी हैं, आप उनको इजीली अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 2 पे है, आपको एक बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना है जो आपके फेस को सूट करता हो और आपके हेयर बिल्कुल सेट हो। ये ना हो कि आपके बेबी हेयर निकले हुए हैं और आपके हेयर बहुत फ्रीजी हैं, और हेयर भी आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, बालों पे धूल मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए। अपने हेयर की आपको केयर करनी चाहिए, बराबर आपको ऑयलिंग भी करनी चाहिए। आपको बिल अगर आप पोनी टेल भी इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनाइए, बेबी हेयर अपने सेट कीजिए, क्योंकि वो आपके लुक को ख़राब करते हैं। आपके हेयर बिल्कुल सेट होने चाहिए। नंबर 3 पे फुटवेयर, आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग फुटवेयर पहनने चाहिए। अगर आपने ट्रेडिशनल पहना है तो आपको उसके साथ फुटवेयर उसकी मैचिंग के पहनने चाहिए। वेस्टर्न पहना है तो उसके हिसाब से आपको पहनना चाहिए, उसके मतलब कि जो आपकी ड्रेस पे आपका फुटवेयर जाए वही आपको पहनना चाहिए, आप गलत ना पहने जिससे आपकी पर्सनैलिटी डाउन होगी। और नंबर 4 पर है, आपको सही तरीके से पोस्चर में रहना है, मतलब कि आपको बात करते समय ऐसे शोल्डर डाउन नहीं करना है जो आपको ऐसा दिखाता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बात करनी है, जिससे कि आई कांटेक्ट भी अच्छा बनेगा और आपका हाइट भी थोड़ा सा इससे लंबी दिखती है, अगर आप कभी ट्राई करें तो। नंबर 5 पे है परफ्यूम। आपने हेयर भी सेट कर लिया है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी अच्छे से बना लिया, लेकिन अगर बंदा आपसे बात करे और आपने से स्मेल आए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको एक अच्छा सा परफ्यूम लगाना, और इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि वो दूसरे को परेशान करे। कई लोग इतना ज़्यादा लगा लेते हैं कि हेडेक भी दूसरे को स्मेल से होने लगता है, तो आप अच्छे सा बिल्कुल हल्का सा लगाएं। नंबर 6 पे है कि अपने नेल्स को आप नीट एंड क्लीन रखें, उनके बराबर ग्रूमिंग करें। अगर आप इस तरीके से नेल पेंट लगाती हैं, बोल्ड कलर का लगाती हैं, तो आप ज़रा सा भी अगर वो उतरता है तो उसे प्रॉपरली आप उसको ठीक रखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बार बार अपना नेल पेंट चेंज नहीं कर सकती हैं, तो आप इस तरीके से न्यूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत क्रैक भी होता है या उतरता भी है तो वो इतना नोटिस नहीं होता है। आप चाहें तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, आप जल्दी जल्दी से अपना नेल पेंट। नंबर 7 पे है, आपको अपना मोबाइल लिमिट से यूज़ करना है। अगर आप किसी कैजुअल पार्टी में हैं या किसी गैदरिंग में हैं, सब आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं या आप उसके साथ मोबाइल के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत ऑड लगता है। आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपको उसकी बात को सुनना चाहिए और मोबाइल को रख देना चाहिए, ये अच्छा मैनर्स होता है। नंबर 8 पे है, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहिए। कई गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में आर्गुमेंट करने लगती हैं, बहस करने लगती हैं। आपको दूसरे को भी सुनना चाहिए और अपनी बात भी बतानी चाहिए, वो भी तरीके से। और आपको अपने चेहरे पे एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान रखनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे दिखेंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ के आएगी। आई होप आपको ये सारे ही टिप्स बहुत अच्छे लगे हों, और कोई टिप्स आपको अगर लगा है कि मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।